जय श्री सीताराम। एक सच्ची घटना, एक सच्चा वाक्या मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं शिवलिंग पर रोज दूध चढ़ाता हूँ, साथ ही साथ पंचामृत से उन्हें स्नान कराता हूँ, हल्दी भी चढ़ाता हूँ शिवलिंग के ऊपर और चंदन भी चढ़ाता हूँ, है ना, भोले बाबा की बहुत अच्छी तरह से मैं सेवा करता हूँ और मेरा बस यही काम है, उसके अलावा कोई मैं उपाय करता नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उनकी कुंडली मैंने देखी और वो बड़े परेशान थे और पिछले कई समय से वो ये उपाय कर रहे थे, 1-1.5 साल से उपाय कर रहे थे। ज्योतिष में ऐसा होता है कि जब भी आप उपाय करते हैं तो 2-3 महीनों में आपको रिजल्ट्स देखना शुरू हो जाते हैं, पूरी तरह से खत्म ना हो आपकी परेशानी लेकिन रिजल्ट तो देखना शुरू हो जाते हैं। उन्हें कोई रिजल्ट दिखना तो दूर की बात है, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। अब उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई कि भाई ये उपाय मैं ऑलरेडी करता हूँ, दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा ज्यादा मत करो, क्या ऐसा सही है? क्या मैं पूजा कर रहा हूँ उसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है? मैंने उनकी कुंडली देखी और उनकी कुंडली में सचमुच ये पाया कि यदि ये शिवलिंग या शिव शंकर भगवान की आराधना करते हैं तो इनको फायदा मिलना चाहिए। मैंने ये पाया, लेकिन उन्होंने तो कहा था कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूं ये निवारण, ऑलरेडी ये उपाय कर रहा हूं, विस्तार से उन्होंने समझाया मुझे और कुंडली भी दिखा रही कि शिवलिंग या शिव शंकर भगवान की आराधना करेंगे तो फायदा मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो भाई इसकी वजह क्या होगी, है ना? तो इसकी वजह इसके तह तक जाने के लिए मैंने उनसे और क्वेश्चंस करना शुरू किए। मैंने उनसे कहा कि कितने बजे करते हो? उन्होंने कहा सुबह करता हूं, सुबह 11 बजे के पहले, उन्होंने कहा। और कभी भी उपाय जो सुबह के किए जाते हैं ना 11 बजे के पहले ही किए जाते हैं। मैंने कहा वाह जी, ये भी बहुत अच्छी बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि दूध आप चढ़ाते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो दूध आप जब चढ़ाते हैं तो कौन सा दूध चढ़ाते हैं? उन्होंने कहा कि फला फला कोई कंपनी का, उन्होंने नाम बताया, वो कंपनी का नाम मैं ले नहीं सकता हूँ, यहाँ पर सार्वजनिक मंच है, उन्होंने वो नाम बताया और मुझे समस्या समझ में आ गई। वो जो कंपनी का उन्होंने नाम बताया वो केमिकल या पाउडर मिल्क जो होता है ना वो बनाती है। आप चूंकि बड़े शहर में रहते हैं, बड़े शहर में गाय का या भैंस का दूध मिलना उतना ईजी नहीं हो पाता है, तो पाउडर का या केमिकल वाला मिल्क आसानी से मिल जाता है, तो वो वही मिल्क चढ़ाते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर आगे और बढ़े, मैंने कहा चंदन चढ़ाते, चंदन कौन सा चढ़ाते हैं? वो भी उन्होंने एक डिबिया कोई आती है चंदन की, 20-25 रुपए की, वो डिबिया में भर के पूरा चंदन पाउडर रहता है, तो बोले वो मैं चढ़ाता हूँ। उससे भी मुझे बात पकड़ में आ गई कि ये डिबिया जो है ये तो 20 रुपए में, यदि आपको इतनी बड़ी डिबिया कोई चंदन पाउडर की दे रहा है तो ऑब्वियसली ओरिजिनल तो नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं केमिकल्ड ही होंगे। मुझे ये बात भी समझ में आ गई। फिर उन्होंने और भी पंचामृत बताए, दही भी बताया, दही, लेकिन दही कौन सा जमाते हैं? इसी चीज़ का, वही कंपनी का दही जो केमिकल वाला बना था। और उन्होंने शहद बताया कि शहद तो वो अच्छा चढ़ा रहे थे, डाबर का शहद चढ़ा रहे थे, वो तो अच्छा आता है। और भी 2-3 चीज़ें बताई। तो मुझे बात समझ में आ गई, बात पकड़ में आ गई कि भाई देखो, दूध भोले बाबा पर चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मैं खुद चढ़ाता हूँ और जो नहीं चढ़ाता उनको बहुत मैं उत्साहित करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ कि आप चढ़ाइए। लेकिन भैया भोले बाबा को दूध चढ़ाना है, भोले बाबा को वाइल्ड केमिकल कुछ द्रव्य नहीं चढ़ाना है। आप सफेद द्रव्य को यदि दूध समझ रहे हो तो ये गलती है, आप समझे। यदि मैं आपको कहूं, आप बोले कि मुझे राइस पसंद है, चावल पसंद है, और भोजन करने में, खाना खाने में, मैं आपको प्लास्टिक के राइस दे दूं, आप आपसे कहूं खाओ, अब ये भी सफेद ही दिख रहा है प्लास्टिक के, अब आप इसे खाओ, तो आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। आपको या तो गुस्सा आ जाएगा मेरे ऊपर कि ये क्या कर रहे हो आप। तो यदि आप केमिकल्ड मिल्क या मिल्क के अलावा भी कुछ और चीजें केमिकल्ड, जैसे वो चंदन पाउडर कुछ केमिकल्ड था वो चढ़ा रहे थे, आपको क्या लगता है भोले बाबा को केमिकल्ड वाइट मिल्क नहीं कहना चाहिए, उसको केमिकल्ड वाइट कोई द्रव्य भोले बाबा को चाहिए क्या चढ़ाने के लिए, कि और उनको समस्या होगी? फिर तो भोले बाबा पर गाय का कच्चा दूध चढ़ता, पहली प्राथमिकता होती है गाय का कच्चा दूध चढ़े भोले बाबा पर। कच्चा मतलब जो गर्म ना किया गया हो, गाय का दूध जो निकला और वो निकला तो फिर वैसे ही चढ़ा दो, या वैसे ही चढ़ा दो आपके घर तक आया, थोड़ी देर लगी क्योंकि बहुत देर तक यदि दूध को आप रखते हैं कच्चा बिना गर्म किए तो कहीं ना कहीं फट जाए, ऐसे चांसेस होते हैं, तो वैसे ही दूध चढ़ा दो, या भैंस का सेकेंडरी होता है, भैंस का भी कच्चा दूध आप चढ़ा सकते हो,
गर्म ना किया हो। लेकिन यदि आप केमिकल्ड दूध यदि आप चढ़ा रहे हैं तो भोले बाबा प्रसन्न नहीं कैसे होंगे, उसमें वो चीज है ही नहीं जो उनको चाहिए। चंदन चढ़ा रहे हैं, चंदन वो जो 20-25 रुपए वाला था ना, उसको जरा माथे पर लगा के देखिएगा, सिर दुखना शुरू हो जाएगा। जबकि चंदन, ओरिजिनल चंदन को यदि आप माथे पर लगाते हैं तो आपका मन शांत होगा, सिर शांत होगा, विचार शांत होंगे। तो वो ये गलती कर रहे थे और उन्हें उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, या कहें कि उल्टे मिल रहे थे। भाई भोले बाबा ने बोला तो नहीं है कि मेरे पास आओ और मेरे ऊपर दूध चढ़ाओ, ऐसा तो नहीं बोला। आप अपनी खुशी से चढ़ा रहे हो, चढ़ाना चाहिए, मैं कह रहा हूं चढ़ाना चाहिए, हर किसी को बोलता हूं चढ़ाना चाहिए, लेकिन गलत भी नहीं चढ़ाना चाहिए, केमिकल भी कुछ नहीं होना चाहिए। इस बात का जरूर आप ध्यान रखें, जो भी चीज चढ़ा रहे हैं, भले ही आप जो है पांच चीजें चढ़ा रहे हैं ना, पांच में से एक चढ़ाइए, लेकिन वो ओरिजिनल हो, वो शुद्ध हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अब कई लोग ये कहते हैं कि सर हमारे यहां तो हमको केमिकल मिल्क ही मिलेगा, हमारे यहां तो वो ओरिजिनल गाय का कच्चा दूध नहीं मिल सकता, हम चंदन, फिर चंदन क्या ही चढ़ाएं, ओरिजिनल चंदन तो बहुत महंगा मिल जाएगा, हम कैसे चढ़ा पाएंगे, फिर हम तो कर ही नहीं पाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, मत करो भाई। देखो गलत करने से अच्छा है ना कि ना ही करो। भोले बाबा इतने भोले हैं कि शुद्ध जल जो होता है ना, शुद्ध जल यदि वो ही उनके ऊपर चढ़ा दिया जाए तो ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। एक प्रदीप मिश्रा जी, शायद आप उन्हें जानते होंगे, बहुत पसंद करता हूँ मैं उन्हें, बहुत अच्छे कथावाचक हैं और भोले बाबा की कथा बहुत जगह जगह कोने कोने पर वो फैला रहे हैं। वो ये कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, उन्होंने ये एक नारा दिया और बहुत अच्छा नारा है कि जल तो कोई भी चढ़ा सकता है। आप ये शिकायत कर ही नहीं सकते कि हम जल नहीं चढ़ा सकते भोले बाबा पर। आप किसी भी तबके से हो, आपकी सैलरी कितनी भी हो, आप नौकरी ना ही करते हो, भोले बाबा पर जल तो कोई भी चढ़ा सकता है, एक तांबे के लोटे में चढ़ा सकते हैं। तो भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि शुद्ध जल, आपके पास कुछ नहीं है ना, शुद्ध जल ही चढ़ा दीजिए, उससे भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। गन्ने का जूस ओरिजिनल मिल सकता है, वो चढ़ा सकते हैं। आपको शहद, जो शहद मैंने आपके अभी डाबर का नाम से, मैं नाम ज्यादा लेता नहीं हूँ लेकिन मेरा विश्वास है डाबर पर, तो डाबर का जो शहद आता है वो मैं समझता हूँ कि अच्छा शहद आता है, तो वो आप जो है ओरिजिनल है तो वो आप चढ़ा सकते हैं। ये आपको कहीं खुला मिल जाए, भाई आप कहीं गाँव में रहते हो तो वहाँ कहीं खुला आपको मिल गया शहद तो एक अलग बात है, तो वो आप भोले बाबा पर चढ़ा सकते हैं। मिश्री, ओरिजिनल मिश्री यदि कहीं आपको मिल जाए, शकर नहीं चढ़ाना चाहिए, शकर जो ये प्रोसेस्ड होती है, शकर जो होती है, शुगर जो होती है वो प्रोसेस्ड होती है, वो मत चढ़ाइए, आप जो है मिश्री चढ़ा दीजिए उसकी जगह। गुड़, गुड़ भी चढ़ाया जाता है और गुड़ के पानी से भी भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है, तो ओरिजिनल गुड़ भी आप, या गुड़ का पानी भी आप भोले बाबा पर चढ़ा सकते हैं। घी यदि ओरिजिनल घी है, गाय के दूध से बना हुआ यदि घी है, या भैंस के दूध से भी बना हुआ घी है, तो वो भी चढ़ाया जा सकता है उससे भी। लेकिन आप केमिकल से बना हुआ घी है, या जो वनस्पति घी है ना, या फिर केमिकल मिल्क से बना हुआ कोई घी है, तो फिर वो ना चढ़ाएं। तो शुद्धता का ध्यान रखें, और यदि आपको लगता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम महंगा चंदन ले सकें और फिर भोले बाबा पर चढ़ा सकें, या तो हम पैसा है लेकिन हम ऐसी जगह पर, ऐसे बड़े शहर में रहते हैं कि यहाँ पर आसानी से वो चीज़ नहीं मिल सकती, अब गाय का कच्चा दूध नहीं मिलेगा, भैंस का कच्चा दूध आसानी से नहीं मिलेगा, तो क्या करें, तो शुद्ध जल चढ़ा दीजिए, फिर कम से कम गलत करने से बच जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, इससे बहुत ज़्यादा विपरीत फल मिलते हैं, खराब परिणाम मिलते हैं, मैंने देखे हैं ये। उनको पहले किसी ने बताया नहीं था, वो मेरे पास आए और मैं चूंकि गहराई से विश्लेषण करता हूँ तो मैंने देखा और मैंने उन्हें बताया, उसके बाद में फिर उनका फिर कॉल आया मेरे पास करीब करीब 2.5-3 महीने बाद, उन्होंने कहा अब अच्छा लग रहा है पूरी तरह से समस्या। ठीक है, 2-2.5 महीने में खत्म नहीं होगी, 3 महीने में खत्म नहीं होगी, लेकिन व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो अच्छा हो रहा है। अब धीरे 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 मैंने उन्होंने बताया कि भाई 20-30% ऐसे 2-2.5 महीने में आपकी समस्या खत्म होती जाएगी, और वो संतुष्ट रहे फिर उस बात से। तो एक्चुअली यदि आप कोई उपाय कर रहे हैं खास तौर पर इस प्रकार से भोले बाबा पर, क्योंकि अब श्रावण चल रहा है ना, श्रावण सोमवार, तो भोले बाबा पर भीड़ रहती है, मंदिर पर भीड़ रहती, रहना भी चाहिए। भोले बाबा की लाइन में लगोगे ना, भोले बाबा की लाइन में धक्के खाओगे ना, तो जीवन के धक्के नहीं खाओगे, फिर जीवन की समस्याओं के धक्के नहीं खाओगे, फिर
तो भोले बाबा की लाइन में धक्के खा लो, भोले बाबा की लाइन में लग जाओ, भोले बाबा के लिए इंतजार कर लो, बिल्कुल कीजिए। और भीड़ बनाइए और बढ़ाइए, और जितने धक्के खा सकते हैं भोले बाबा या भगवानों की लाइन में लग के। लोग कहते हैं बड़े बड़े मंदिरों में धक्के खाना पड़ते हैं, लाइन में लगना पड़ता है। हाँ, बाकी बिहारी जी के मंदिर में एक मैंने सुना था लाइन में लगना पड़ा, धक्के खाना पड़ा। अरे खा लो भैया, यहीं पर धक्के, यदि यहाँ पर धक्के खा लिए तो फिर आगे धक्के खाने को नहीं मिलेंगे ओरिजिनल परमात्मा के पास, फिर बिना लाइन के जाओगे सीधे चुटकियों में। तो यहाँ धक्के खा ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ लाइन में लग के इंतजार कर लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है, पाप धुल रहे हैं हमारे, तो पाप में ना फंसे इस प्रकार से करके। और कोई बताने वाला नहीं है, इस वजह से जागरूकता नहीं है। और बताने वाला इसलिए नहीं क्योंकि पहले के ज़माने में ये सब केमिकल चीज़ें होती नहीं थी, ओरिजिनल चीज़ें होती थी, तो किसी ने पहले सोचा ही नहीं था, शास्त्रों में से सोचा ही नहीं गया कि भाई केमिकल होगा तो ये लीक है कि भाई केमिकल मत चढ़ाना, ऐसा सोचा ही नहीं गया था। अब चूंकि ऐसी चीज़ें हो रही है तो एक एक जिम्मेदार, एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते, एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।